नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइट टीवी। जो सीए कानून है, मेरे साथ कुछ महिलाएं, उनसे पूछते हैं कि ये कानून कैसा है। सीए कानून लागू हो गया है, आपको कैसा लगा? मेरा नाम वर्षा दुबे है और मैं भारत का नागरिक हूँ। एक तो मेरे नागरिक होने के नाते जो ये कानून है, ये बहुत ही अच्छा कानून है, नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के मुताबिक जो 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग हैं, जो भारत में आए हुए लोग रह रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, तो उन लोगों को इस देश में जो नियम है, स्थायित्व है, वो मिलेंगे और भारत सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ा है कि आतंकवाद पे बहुत बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। मेरे हिसाब से ये कानून बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ एक महिला ये बताएं कि जो विरोधी दल है वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी विरोधी दल है वो तो करते ही है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ विषय चाहिए। जबकि ये देखा जाए, ये विषय बहुत ही अच्छा है। जो आतंकवाद फैल रहा था हमारे भारत पर, तो वो जो जगह जगह से लोग घुस रहे थे, घुसपैठिए आ रहे थे, उस पर बहुत बड़ा शिकंजा कसा गया। और जो हमारे पहले से लोग अलग अलग देशों के लोग रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ समय शॉर्ट होता है कि अगर आप 12 महीने या एक साल से ज्यादा से आप रह रहे हैं भारत में, तो आपको नागरिकता मिलेगी। हमारे साथ एक सर भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कानून के लिए? सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे 2014 से पहले यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं और बाहर से आए हुए हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, क्योंकि उनको भारत में काफी समय से रह रहे हैं और उनको सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। हमारे साथ एक सर भी हैं। भैया, क्या बताना चाहेंगे? कानून तो बहुत बढ़िया है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ताकि जो हमारे प्रताड़ित, अपने धर्म से प्रताड़ित रहे हैं, माइनॉरिटी रहे हैं अपने अगल बगल देशों में, सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, वहां से प्रताड़ना झेल के जो हमारे उसमें रह रहे हैं भारत में, जिनको अभी भी भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, तो जो लाभ सरकार देती है गरीबों के लिए वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। नागरिकता मिलेगी, सारे भारत के संविधान के हिसाब से रहेंगे और जितने भी फायदे भारत सरकार देती है वो सब उन तक पहुंच पाएंगे। और जो विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं, विरोधी दल तो देखिए भैया, राजनीति है तो उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है। बाकी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत तो समस्या लोगों को दिखेंगी, तो वो कहेंगे, उसका उनका काम है कहना। मोदी सरकार ने जो भी अच्छे काम किए हैं, विरोधी दल हमेशा से उनका विरोध ही करते आए हैं, आप शुरू से देख रहे हैं, तो उनको कोई भी अच्छी योजना तो कामयाब लगी नहीं रही है, उनको सबने कुछ ना कुछ विरोध करना है। हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं और वो हर सरकार में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अच्छा काम हमें देखना चाहिए जो कि हमारी सरकार कर रही है, हम सब नागरिकों के लिए। महिलाओं के लिए उन्होंने, इस सरकार ने बहुत काम किए महिलाओं, चाहे उनकी सुरक्षा हो, उनका एक हक हो। अभी देखा आपने, 3 तलाक पे बहुत अच्छा विषय मुद्दा रखा, तो बहुत सारी इस सरकार ने बहुत काम किया है, तो इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और योगी जी को भी देना चाहूंगी, जो कि इस मुकाम पर और महिलाओं को बहुत सुरक्षा और रक्षा का काम कर रही है। देखा, ये हमारे साथ तावी जनता थी और ये बता रही थी कि जो सीए कानून है, इससे पहले 3 तलाक के कानून पे भी जनता प्रसन्न है। देखना है कि चुनाव के टाइम पे जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रामजीत छेत्री।